शेयर बाजार गिर रहे हैं बजट के बाद से। ऐसा क्या बोल दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि निवेशक घबरा गए? आइए समझते हैं आसान भाषा में, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये समझ जरूरी है। पहला सवाल, शेयर बाजार में आखिर हुआ क्या? ये तो सबको पता है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने ऐसा क्या किया? उन्होंने दरअसल बजट में तीन ऐसे प्रस्ताव किए जिनसे शेयर बाजार में भगदड़ मच गई और लोग अपने शेयर बेचकर बाजार से निकलने लगे। क्या है ये तीन प्रस्ताव? पहला प्रस्ताव, लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग 25 से बढ़ाकर 35% की जाए। इस प्रस्ताव का मतलब क्या है? बजट के इस प्रावधान के 5 मायने हैं। पहला, शेयर बाजार में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उन्हें अपनी कंपनी के कम से कम 35% शेयर अब निवेशकों को बेचने होंगे। दूसरा पॉइंट, देश में इस वक्त 4,700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, यानी लिस्टेड हैं। इनमें से 1/4 कंपनियों में प्रमोटरों यानी कंपनी के मुख्य मालिकों की हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है। निवेशकों की चिंता यह है कि अगर सरकार का यह प्रस्ताव लागू हो गया तो कंपनियों के प्रमोटरों को करीब 4,00,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचने होंगे। इससे बाजार में शेयरों की बाढ़ आ जाएगी। साल 2010 में सेबी ने कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग बढ़ाकर 25% कर दी थी, लेकिन तब प्रमोटरों को शेयर बेचने के लिए 3 बरस का वक्त दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं है, मालिकों को वक्त नहीं मिल रहा है। और इन वजहों से बाजार को आशंका हो रही है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां और आईटी कंपनियां लोकल फंडिंग के सहारे नहीं हैं, उनमें प्रमोटरों की हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है, वो शायद मार्केट से खुद को डीलिस्ट कर ले। बजट का दूसरा प्रस्ताव, शेयर के बायबैक पर यानी शेयर को दोबारा खरीदने पर कंपनियों पर 20% का टैक्स लगेगा। क्या असर होगा? देखिए, कंपनियां निवेशकों से अपने शेयर वापस खरीदती हैं, इसे बायबैक कहते हैं। जब वो रिलीज करती हैं शेयर तो आईपीओ रिलीज करना कहते हैं। अब तक कंपनियों को निवेशकों से शेयर वापस खरीदने पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब 20% चुकाना पड़ेगा और ये प्रस्ताव निवेशकों को जाहिर सी बात है पसंद नहीं आ रहा। बजट का तीसरा प्रस्ताव, देश के अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। साल में 2 से 5 करोड़ रुपए की इनकम पर सेस 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अब 35.88% टैक्स देना होगा। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी पर सेस 37% किया गया है। ऐसे लोगों को कुल 42.7% टैक्स देना होगा। इसको फंबल बोलते हैं, जब कई शब्द एक साथ आए और जबान अटपटा जाए। मानवीय है, इसलिए ज्यों का त्यों जा रहा है। क्या है इस प्रस्ताव का मतलब? बजट के इस प्रस्ताव से शेयर बाजार में सबसे ज्यादा खलबली है। देश के अमीरों और कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI, इस टर्म को याद कर लीजिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI, ये अब तक एक ही तरह का टैक्स देते रहे हैं। अब जब सुपर रिच लोगों के टैक्स पर सेस यानी अधिभार बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक भी इसके दायरे में आएंगे। इनकम टैक्स पर सरचार्ज बढ़ने से विदेशी निवेशकों को ज्यादा टैक्स देना होगा और इसी वजह से FPI ने शेयर बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। 5 जुलाई यानी बजट का दिन और उसके बाद 8 जुलाई FPI ने जमकर अपने शेयर बेचे और इससे भारत के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। एक सवाल उपज सकता है कि बाजार में गिरावट की क्या सिर्फ बजटीय वजहें हैं? और भी कुछ वजहें हैं। अमरीका, यहाँ पे रोजगार के आंकड़े आए जून में और बहुत अच्छे आए, मतलब कि अमरीका में लोगों को खूब नौकरियां मिल रही हैं। इसके 2 मतलब निकलते हैं। पहला, अमरीका की कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दूसरा, अमरीका में बैंकों की ब्याज दर अब जल्द कम नहीं होगी। इससे क्या होगा? दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा बाकी बाजारों से निकाल के अमरीका में लगाना शुरू कर सकते हैं और इसी वजह से भारत नहीं, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान के शेयर बाजार भी डगमगाते नजर आ रहे हैं। तेल का खेल भी है, कच्चा तेल कुछ महंगा हो गया है और अमरीका का डॉलर कुछ मजबूत हुआ है। इन दोनों की मजबूती का मतलब ये होता है कि भारत को अब तेल पर ज्यादा खर्च करना होगा। चूंकि तेल खरीदने की मुद्रा डॉलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत पहले महंगा डॉलर खरीदे, फिर उस महंगे डॉलर से महंगा कच्चा तेल खरीदे और इन्हीं सब वजहों से भारत का शेयर बाजार परेशान है। 9 जुलाई को भी ये लगभग फ्लैट बंद हुआ, अभी सुधार नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।